बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्ट्रेस में शुमार करिश्मा कपूर इन दिनों एक खास वजह से सुर्खियों में आई हैं। एक तरफ जहां करीना कपूर खान अपने नए घर को लेकर सुर्खियों में बनी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर अपने घर को बेचने के लिए सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हां दोस्तों, करीना कपूर खान के बाद अब उनकी बड़ी बहन के अपने घर को लेकर खबरें आ रही हैं कि करिश्मा कपूर अपना घर बेच रही हैं। दोस्तों खबरों की माने तो करिश्मा कपूर को पैसों की काफी जरूरत थी, जिसके चलते वो अब अपना घर बेच चुकी हैं। खबरों के मुताबिक जब से करिश्मा कपूर ने फिल्में करनी बंद की है, तब से उन्हें पैसों की काफी दिक्कत हो गई है। वेल इसके अलावा उन्होंने अपने घर को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेट करवाया था। करिश्मा कपूर के अपार्टमेंट की बिक्री दिसंबर साल 2020 को हुई थी। खबरों की माने तो करिश्मा कपूर और उनकी मां बबीता ने अपना मुंबई वाला घर लगभग 10 करोड़ में बेचा था। बता दें कि एक्ट्रेस का मुंबई में खार एरिया की बिल्डिंग में रोज क्वीन अपार्टमेंट में 10वीं मंजिले पर फ्लैट था। बता दें कि करिश्मा ने इस साल 2020 में इस अपार्टमेंट को खरीदा था और अभी से बेच भी चुकी हैं। वेल आजकल काफी सारे एक्ट्रेस अपने पुराने अपार्टमेंट बेच रहे हैं, तो वहीं नए अपार्टमेंट भी खरीद रहे हैं। बता दें कि जानवी कपूर ने हाल ही में एक नया अपार्टमेंट खरीदा है। वहीं आलिया भट्ट भी अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली हैं। करिश्मा कपूर की बहन करीना कपूर खान पहले ही अपने बेटे और पति के साथ नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी हैं। वेल आपको बता दें कि करिश्मा कपूर अपने बच्चों के साथ रहती हैं। वो काफी साल पहले ही अपने पति संजय कपूर से अलग हो चुकी हैं। साथ ही डाइवोर्स के बाद उनके पति उन्हें अपने बच्चों की परवरिश के लिए लाखों रुपए पर मंथ देते हैं, और अक्सर करिश्मा कपूर को अपने बच्चों के साथ वेकेशन एंजॉय करते हुए भी देखा जाता है। तो दोस्तों आपको करिश्मा कपूर की इन बातों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।